इन्होंने बजा दिया कहा बैठ जाओ। फिर नंबर आया बाबू साहब का, कई तराश लेके गए थे, कहे बजाओ, बजा दिया, पूछा का नाम, कहे तराश, कहा बैठ जाओ। फिर नंबर आ गया यादव जी का, कहे का नाम, तोरे बाजा कहा, ढोल कहा बजाओ, कहा बजा दिया। इसी तरह सब अपन अपन बाजा लेके पहुंचा। नंबर आया रजवार राजवंशी का, परशुराम के दिगंबर का, ये बहुत चलाक है, यही परशुराम बहुत। जब नंबर इनका आया तो वहां गल हमें आधा राजपाट ले, इतना चलाक है हमारे का बिरादर, ये खटिया का घोड़ा पार्टी लेके गल। राजा पूछ रहे कि तोरे बाजा का ना हो का सामी बाजा, कहे नाव तो बड़ा अच्छा बाजा तोरे बाजा का, कहे बजाओ, कहे राजा साहब खासियत मनी है का, जब सब कर बजी तभी बजी अकेले बजे वाला। सामी बाजा बन कर आया, बात समझ में आओ तब सामी बाजा नहीं, ये पीला झंडा खाली अपने गांव में एक झंडा टांग दो, तेरे दुश्मन को मोतिया भी हो जाएगा, देखते देखते उसको समझ में आ जाएगा कि अभी राजवंशी रजवार परिहार और राजभर जाग चुका है, अभी अपने हक के लिए निकल पड़ा है। और नौजवान आप बताओ, नौजवान आप बताओ, अभी परसों हमने लखनऊ में ललकारा है, परसों आप अपने गूगल से बच्चो या सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे देखो, जितना ललकार ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश में मचा दिया, कोई माइक लाल नेता है का धरती पर, कोई है नेता? अब आप देखते जाओ खेल, ये कह रहा हूँ कि नौजवानों घबराओ नहीं, अब वो दिन दूर नहीं है जो तुझे हिस्सा देने से कोई माइक लाल के लाल भागे जबरी कैचर भाई पावर बैलेट और बुलेट 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 राज सरकार पे कब्जा होगा, राजा की औलाद है। 185 राजा, 585 में 165 राजा, आज भिखारी है बंगाल, यही बदे हम घूमी जाना, कि घबराओ नहीं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी बात को सुन करके भाई हमारे प्रतिमा सिंह ग्राम जमुहार और विश्वजीत सिंह जी दोनों लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, सामने आ जाइए। और परशुराम जी प्रतिमा सिंह और विश्वजीत जी को माला पहना करके स्वागत करिए। बेटा ताली बजाओ, मैं रुपया ना मांगा तो कोई। तब बताओ लड़ाई सही दिशा में चलत हो कि गलत? सही है ना? तो सही के साथ सब लोग प्रचार करवा कि गलत है? सही कर। अब जे तो हम बहकावे आवे ओके बैठा के पानी पिया दे, चाय पिया दे, चाहे वो भले बिरादर हो, चाहे साढ़ू के साढ़ू को साढ़ू कहे ना, तीन सर्रा साढ़ू है ना, चाहे वो तीन सर्रा साल कहे ना हो, बैठा के पानी पिया तो उसे पूछा कि देख तुम्हारे 75 साल की आजादी में तुम्हारे पहचान ना बना पाऊंगा, आवा खाली 5 साल हमारे के संगे ठंडा पकड़ ला, 5 साल के अंदर पूरे देश में तेरी पहचान, तेरी जाति की ताकत दिखा दिया जाएगा। बताओ उनको, अजय न माना हो कि हमसे भेंट करावा, उनका दवाई हम कर भीतर खिया के मारी बा, देख ले बा कोनो फिल्म हम और देख ले बा प्रेम से लिया के जाला हो, अजय देख ले है ना, हरिंदर तू देख ले गई हम जी भैया की भीतर लिया जा, पहले किया हुआ के दरवाजा बंद कर, बंद करके भीतर पल भर मारी और कले बाद फिर कंधे का हाथ रख के कहले ते बोलत का हसत के निकला, ताकि कोई ही न कहे कि मैं तो मर ले रहा हूं, समझे थे आप? तो भाई आप लोगों ने मेहनत करके अपने अपने गांव से चलकर के यहाँ आए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और हम नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, आप यहाँ से जाओगे, हमारी माताएं बहनें हैं ये जाएंगी तो विरोधी पूछेगा कि का गलत मिलल का, कहिए का मिलल, तो उनसे कह दिया कि जय सुहेल दे, वो पूछिए का मिलल, तो उनसे कह दिया जय सुहेल दे, पूछिए ई कहा, अब राजपाट बोले था, कहा बोले तो
राजपाट का जय सुहेल देव बोलने से मिली, उनको बता देना कि जय भीम और जय श्री राम बोलने से अगर सत्ता मिल सकती है तो जय सुहेल देव बोलने से भी सत्ता मिल सकती है, कोई माई कला रोक नहीं सकता। इस नाते साथियों आज से हम लोगों का नारा जो चल रहा है और तेज चले चले, कहीं भी जाओ जय सुहेल देव ललकारो कहीं समझ में आ जाएगा कि भैया ये राजवाद राजवंशी लोग हैं, ये राजभोग लोग हूँ, ये परिहार है, ये राजभर है, ये भर लोग है, अभी माने वाले लोग ना हुआ। जब तक की सत्ता ना पा जाएंगे तब तक की चैन से बैठने वाले लोग नहीं है। इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाने के लिए हम आप लोगों से निवेदन और अपील करता हूँ। साथी जो लोग बैठे हैं वो वहीं खड़ा हो जाए, जो लोग बैठे हैं सब लोग खड़े हो जाइए और जो लोग खड़े हैं तो खड़े रहिए। तो देखिए आ जाइए इधर, आप आ जाइए, परशुराम जी खड़ा हो जाइए। देखिए गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना आज के 8 महीना बाद गर्मी बीतेगी, बरसात बीतेगी, बरसात खत्म होते ही 7 अक्टूबर की तैयारी। अभी से नौजवानों अपने अपने दीवारों पर लिखना शुरू करो कि 7 अक्टूबर 2023 को गांधी मैदान पटना चलो, अपनी पहचान अपनी गिनती करानी है। और बिहार 38 जिले में ओम प्रकाश राजभर, 38 जिले में जहाँ जरूरत होगी आप बुलाओ। अभी तो मैं बाई रोड आ रहा हूँ, थोड़े दिन के बाद तेरे बीच में तुझे जगाने के लिए हेलीकॉप्टर से आना शुरू करूंगा, थोड़े दिन का इंतजार करो, हम जुगाड़े में है ही ठीक है ना, तो सही रहे कि नहीं सही रहे। तो 7 अक्टूबर पकड़ लिया सब लोग, अभी ट्रेन मत पकड़िए, अभी फ्री में न रही, हम वहाँ बात करेंगे रेल मंत्रालय 5, 6, 7, 8 कम से कम 6 दिन के लिए ट्रेन फ्री कराएंगे। जिसको पटना घूमना हो एक दो दिन घूम ले आराम से चला आवे, कोई दिक्कत न हो। तो गांधी मैदान पटना 7 अक्टूबर की तैयारी, और अपनी जाति की गिनती, अगर जाति की बात आती है तो हमको अपनी जाति की गिनती कराने के लिए अपना अपना संसाधन, अपना पैसा, अपना राशन और ट्रेन फ्री चल करके गांधी मैदान पटना में हमको आपको गिनती कराना है। एक नारे के साथ हम बोलेंगे, आप बोलिएगा, हम बोलेंगे भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, तो आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इसी बात के साथ साथियों मुझे कल हमारे यूपी में विधानसभा चल रही है, कल हर हालत में हमको 11 बजे तक लखनऊ पहुंचना है, तो कल तो नहीं आज ही रात को हम 12 बजे 11 बजे तक चले जाएंगे लखनऊ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए सभी आयोजक साथियों को और जिन साथियों ने अथक परिश्रम किया उन सभी साथियों को आभार और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सुहेल देव, जय भीम, जय भारत। आप लोग अपने अपने साधन से आप लोग अपने अपने घर जाएंगे, जाकर शाम के खाना बनाएंगे, हम अगले इंतजार आप लोग करोगे, एगो थाली जरूर हम नाम पर करोगे।